फेबू हेल्प 40mg टैबलेट आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं फेबू हेल्प 40mg टैबलेट के बारे में। अगर बात करूं उसके यूज के बारे में कि डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं, ये किस चीज की दवा है, किस समस्या में काम आती है, तो ये गाउट की दवा होती है और आसान भाषा में बताऊं तो ये गठिया की दवा होती है और आसान भाषा में बताऊं तो बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स में, स्पेशली हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ पर काफ़ी दर्द होता है। तो ऐसे स्थिति को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स इस दवा का प्रयोग अन्य दवाओं के साथ में कर दिया करते हैं। अब अगर बात करूँ उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी ये दवा आपने खाई तो ये हमारे शरीर में जाने के बाद किस तरीके से काम करती है, तो इसकी जो मेन दवा होती है वो होती है फेबोऑक्सीस्टैट 40mg। ये प्रकार की यूरिक एसिड इनहिबिटर होती है, कह सकते हैं कि जो हमारे ब्लड में जो यूरिक एसिड होता है ये उसके कंसंट्रेशन को धीमे धीमे करके, ग्रेजुअली करके ये कम करती है, जिससे पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। ये प्रकार की जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी कहते हैं इसे। अगर बात करूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो इसका सीधा असर लीवर पे होता है, जिसकी वजह से कभी कभी डाइजेशन में समस्या हो सकती है। इसके अलावा स्किन में रैशेस पड़ना इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में से एक है। अगर बात करूं इसके MRP के बारे में तो ये आपको मार्केट में 70 रुपये की एक स्ट्रिप बड़े ही आसानी से मिल जाती है। अगर बात करूं इसके कंपनी और क्वालिटी के बारे में तो ये मैनकाइंड कंपनी की दवा है। मैनकाइंड का इंडियन मार्केट में ठीक ठाक रेपुटेशन है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, काम चलाऊँ ठीक ठाक दवा होती है ये। अगर बात करूँ इसके यूज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में तो बिना MBBS डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, सलाह के, आप इस दवा का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ना करें। तो ये तो था इस वीडियो में इस दवा के बारे में सब कुछ जो आपको इतना ज़रूरी था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में अभी तक इतने धैर्य से बने रहेंगे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।